हेलो गाइस, मैं अंकुर आप सभी का एक और नई वीडियो में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में गाइस आपके साथ बात करने वाला हूं तीन मेजर आईपीओ के बारे में। एक तो है आईआरएम एनर्जी जो कि इस महीने में आ सकता है, उसके साथ ही गाइस आपको एक और अपकमिंग आईपीओ बताऊंगा, बट वो बहुत मेजर सा नहीं है कि इस महीने में आएगा। साथ में टाटा टेक्नोलॉजी का आईपीओ क्या इस महीने में नहीं आएगा, मतलब अक्टूबर में टलता हुआ रहेगा। साथ में गाइस आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं प्लाजा आईपीओ का अलॉटमेंट डिटेल्स, कि अलॉटमेंट आज हमें देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा, देखने को मिलेगा तो कब तक और कहां, उसके साथ ही टाइमिंग क्या हो सकती है। एंड गाइस इसके साथ ही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये रहने वाला है इस वीडियो में, काफी सारे कमेंट आए, उसमें से मेजर एक कमेंट ये था कि अक्टूबर के मंथ में या फिर जब क्वार्टर टू का रिजल्ट आता है तो क्या हमें आईपीओ देखने को नहीं मिलता है, जैसे कि हमें इस मंथ में नहीं देखने को मिल रहा है, तो क्या रीजन है। तो आपको ये भी बताने वाला हूं क्या रीजन है आईपीओ ना आने का, टाटा आईपीओ का जो टलता है तो किस वजह से टल सकता है, कुछ परसेंट चांसेस है जो इस महीने ना आए, वो सारी चीज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं विद अपकमिंग आईपीओस मेनलाइन के और प्लाजा बार केबल के अलॉटमेंट डिटेल्स। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको सारी जानकारी समझ में आ सके और आप इस जानकारी का फायदा उठा सको। आपके साथ ये इंपॉर्टेंट पार्ट डिस्कस कर लेते हैं, अगर जो आपको बेसिक टू एडवांस ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना है जो किसी पेड कोर्स से कम नहीं है, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप सीख सकते हो। इसमें आपको निफ्टी बाय निफ्टी कैसे ट्रेड करते हैं, सीईपी क्या होता है, इसको ऑप्शन ट्रेड बोलते हैं, मैंने लाइव करके दिखाया, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको नंबर एक पे जाके इसको जरूर देख लेना। और आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर एक पे लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, जुड़ जाना, वहां पे आपको कॉल्स मिल जाएंगी। आप सीखने के बाद तो ऑब्वियस है कुछ करोगे ही, और सीखने के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वापस आते हैं और बात करते हैं हम यहाँ पे स्टार्टिंग में प्लाजा केबल्स के बारे में। तो प्लाजा केबल्स की डिटेल आप देख लो, आईपीओ क्लोज हो चुका है, अलॉटमेंट डेट इसकी 9th ऑफ अक्टूबर है जो कि मैंने आपको पहले भी अपडेट किया था, और 12th को इसकी लिस्टिंग रहने वाली है। पुरानी आईपीओ की तरह ये आईपीओ का भी अलॉटमेंट जल्दी आ सकता था, अगर जो इस आईपीओ के जो लीड मैनेजर्स हैं, जो प्रमोटर है इस कंपनी का, वो चूज करता कि मुझे जल्दी लिस्टिंग करवानी है T3 में। ठीक है, नॉर्मल प्रोसेस नहीं करवाना है, तो यहाँ पे ऐसा होता कि अलॉटमेंट जल्दी देने को मिल जाता, बट यहाँ पे नॉर्मल प्रोसेस में लिस्टिंग चूज करी, तो हमें हो सकता है इसकी लिस्टिंग पे भी असर देखने को मिले, और नॉर्मली जो अलॉटमेंट है वो 9th को आएगा नॉर्मली। ठीक है, तो आज के दिन ये 9th, और इसका जो अलॉटमेंट आएगा वो केफिन की वेबसाइट पे आने वाला है। केफिन की वेबसाइट पे आप जाके चेक कर सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन आपको दे दूंगा। 8 बजे के बाद इसके आने का टाइम होता है, और कभी भी दे सकते हैं। ठीक है, तो बेहतर ऑप्शन ये है, बार बार चेक करो, इससे बढ़िया है। डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर एक पे लिंक मिल जाएगा, स्टार्टिंग बता आपको, जहां पे देख लो आज के रिस्की मार्केट में भी 65 पॉइंट सुबह सुबह सेफ बुक करवा दिया था करीब 10 बजे तक में। ठीक है, उसके बाद आराम से चिल करो और एंजॉय करो दिन भर। तो बैंक निफ्टी में, निफ्टी में और चार्ट सपोर्ट और काफी चीजें मिल जाती है, तो यहाँ पे निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, स्टॉक ऑप्शन में, स्विंग कॉल, पोजीशन कॉल और बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिल जाती है। साथ में जैसे ही अलॉटमेंट आएगा आपके साथ सबसे पहले इस चैनल पे डिटेल साझा कर दी जाएगी, भाई अलॉटमेंट आ गया, बार बार जाके चेक करो क्या फायदा है, अलॉटमेंट आया नहीं आया, आया नहीं आया, इससे बेहतर है टेलीग्राम पे आपको बता देंगे कि अलॉटमेंट आ गया, तो फटाफट ज्वाइन कर लो और ये सारी चीजें भी आपको देखने को मिल जाएंगी। अगर जो आपको ये सारी चीजें नहीं चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दो नंबर पे लिंक है जहां पे न्यूज दी जाती है, उस न्यूज चैनल पे भी अलॉटमेंट का हम बताते हैं, पर वहां पे सिर्फ आईपीओ की बातें होती है, जीएमपी, सब्सक्रिप्शन, आईपीओ, इंपॉर्टेंट न्यूज। ठीक है, तो दोनों चैनल आप ज्वाइन कर सकते हो। यहां पे गाइस इनका जो नुकसान हुआ है वो इसके ग्रे मार्केट में कमी आती हुई देख के बोल रहा हूं मैं, खास में मार्केट का जो आज हाल रहा है इजराइल वॉर की वजह से, वो अगर जो इजराइल वॉर चलता रहा और उसका इंपैक्ट इंडियन मार्केट पे आया तो इनकी पिटाई होनी है। और मैं देखो अभी थोड़ी देर बाद आपको मैंने टेलीग्राम पे ये मैसेज भी डाला है कि इजराइल वॉर क्या है, उसके साथ ही हमारे इंडियन मार्केट पे क्या इंपैक्ट पड़ सकता है, कौन कौन से स्टॉक्स हमें इस गिरावट में खरीदने चाहिए, इन सबके ऊपर एक वीडियो दूंगा थोड़ी देर बाद आपको, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, टेलीग्राम पे जुड़ जाना, यहाँ पे आपको ऐसे बेनिफिट्स देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो इसराइल वॉर की वजह से अगर ये 12 तक खींचा मार्केट डाउन रहेगा तो लिस्टिंग भी खराब होगी प्लाजा वायर्स की, इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला है कि इन्होंने जो डेट चूज किया कि हमें T3 में नहीं करवाना लिस्टिंग, वो गलत हुआ इनके साथ। बट आई होप कि वॉर सारा जल्दी खत्म हो जाए, वहां के लोग सेफ हो, आई प्रे, और मैं बोलूंगा आपसे भी कि आप गॉड से प्रे करो कि वहां के जो लोकल लोग हैं, जो नॉर्मल लोग हैं या फिर जो सैनिक है जो वॉर में फंसे हुए हैं, जल्दी वॉर खत्म हो और पीसफुली सारा कुछ ठीक हो जाए, और जिन लोग की डेथ हो रही है उनकी आत्मा को शांति मिले। कल से मैं ये जब से देख रहा हूँ तो दिमाग में एक हलचल सी है, क्योंकि बहुत सारे लोग मर रहे हैं, जो आप न्यूज़ में सुनते हो 600-700 डेथ हुई है, 800 डेथ हुई है, उससे काफ़ी ज़्यादा हुआ है, तो आई होप कि आप भी प्रे करोगे। सो वापस टॉपिक पे आते गाइस, एंड यहाँ पे इसे ग्रे मार्केट की बात करूँ तो आपको कल भी देखने को मिला था 27 रुपये, बीच में 27.5 तक गया था, अभी फिर से डाउन आता हुआ दिखा और 22 से 23 रुपये डिमांड निकलता हुआ दिख रहा है, और कहीं कहीं पर ये जो डिमांड है वो 24 रुपये तक की है, तो 22 से 24 की डिमांड कह सकते हो, मेजर डिमांड 22 से 23 के, इसके हिसाब से करीब 42-43% तक का गेन होता है एक लॉट में, तो जीएमपी भी कम हुआ। ठीक है, और ये जो लिंक है ना केफिनटेक का, जो इसका रजिस्ट्रार है प्लाजा का, केफिनटेक रजिस्ट्रार है, इसका डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, आप चाहो तो बार बार जाके चेक कर सकते हो या फिर आप टेलीग्राम से जुड़ जाना। आगे बढ़ते हैं गाइस और बात कर लेते हैं अपकमिंग आईपीओ
लिस्ट में IRM एनर्जी का काफी सारा इसका न्यूज आ रहा है। मैंने आपको स्टार्टिंग नहीं बता दिया था, 18th of October को ये IPO आ सकता है, एक्सपेक्टेड है, ठीक है। लेकिन अगर जो वॉर चलता रहा और सेटल डाउन नहीं हुआ तो ये IPO भी कैंसिल हो जाने वाला है, ठीक है। बट एक्सपेक्टेड है कि आपको ये थर्ड और फोर्थ वीक में IRM एनर्जी देखने को मिल जाए, अच्छा IPO हो सकता है। उसके साथ ये SPC लाइफ साइंस, ये न्यूज चैनल है जो मैंने बताया ना आपको, डिस्क्रिप्शन में दो नंबर पे लिंक मिलेगा, इसको आप ज्वाइन करना, यहाँ भी आपको सारी चीजें मिल जाती है। तो SPC लाइफ साइंस भी आपको देखने को मिल सकता है इस मंथ के एंड तक या फिर अगले मंथ के फर्स्ट वीक में। अब यहाँ पे IPOs क्या अक्टूबर में नहीं आते हैं, ऐसा देखो क्वेश्चन है, क्वार्टर टू का रिजल्ट जब आना होता है तो उसकी वजह से IPO नहीं आते क्या? पता नहीं मतलब लोग ऐसा कहां से क्वेश्चन लाते हैं, बट ठीक है, सही है, जेन्युइन क्वेश्चन है, अगर जिन्होंने पूछा है तो आंसर मुझे देना ही है। तो यहाँ पे मैं अक्टूबर मंथ 2022 का डेटा लेके आया हूँ, जिसमें आप देख लो कैलेंडर है, जैसे 10 तारीख कौन से IPO, 17 कौन से, 24 को हॉलीडे था, ठीक है, उसके साथ ही 31 को, मतलब कई सारे IPO जहां वीडियो पॉज करके काउंट भी कर सकते हो, अक्टूबर में देखने को मिले, ठीक है। अक्टूबर में क्वार्टर टू का रिजल्ट आता है, ठीक है, क्वार्टर टू का रिजल्ट अक्टूबर में आता है तो आपको जुलाई में क्वार्टर वन का रिजल्ट आता दिख जाएगा, उसके बाद फिर 3 महीने बाद फिर आता है दूसरा रिजल्ट, मतलब हर 3-3 महीने में रिजल्ट आता रहता है। मार्च में खत्म होता है एक फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, उसके बाद फिर मई जून जुलाई से शुरू होता है, फिर वो मार्च तक चलता है, तो हर एक महीने आता रहता है भाई, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब जुलाई में देखा जाए तो क्या IPO नहीं आया था 2023 का? ये 2023 की बात कर रहा हूं, यहां पे देखना आप, ये सारे IPOs क्वार्टर वन के रिजल्ट वाले मंथ में क्यों आए थे, अगर जो ऐसा कुछ है तो क्यों आए थे? 2022 में अक्टूबर में तो IPO आया है, ठीक है, क्वार्टर टू के रिजल्ट का मंथ था, उसके बाद फिर नवंबर में भी आए और ये पूरे साल चलता रहा, ठीक है। उसके साथ ही आपको मैंने जुलाई का दिखा दिया, जो कि इसी साल 2023 का जुलाई है, जिसमें क्वार्टर वन का रिजल्ट आता है, ठीक है, स्टार्ट करता है TCS और पूरे महीने आता है और जुलाई के बाद अगले महीने भी आता रहता है, कई सारे लेट वेट देते रहे रिजल्ट। तो यहाँ पे Q2 या Q1 या Q3 या Q4 के रिजल्ट से कोई मैटर नहीं करता IPO का आना, ठीक है। यहाँ पे इसराइल के वॉर से भी अगर जो हम इसको रिलेट करें तो इसराइल का जो वॉर है, आज जब वीडियो आप देख रहे हो, जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, थर्ड डे है, तो यहाँ पे मेरे ख्याल से 6th को उन्होंने इस वॉर शुरू किया था। IPO का आना उनको नहीं पता था इसराइल में वॉर हो जाएगा, उससे वर्ल्ड में क्या इंपैक्ट आने वाला है, इंडियन मार्केट क्या इंपैक्ट आने वाला है। रीजन ये है कि बहुत सारे IPO का आना, आप पास हिस्ट्री उठाकर देख लो, जब बहुत सारे IPO आते हैं ना एकदम से रश हो जाता है, जब रश हो जाता है तो पैसे की लेन देन मार्केट से, क्योंकि देखो लिस्ट होता है, लोग पैसा निकालते हैं, कई बार QIBs का भी एक महीना का टारगेट पूरा होता है, उसके बाद वो भी निकालते हैं, फिर पैसे का आना जाना मार्केट में बहुत ज्यादा होता है, तो उसके वजह से मार्केट पे भी इंपैक्ट आता है। जब भी आप देखोगे बहुत सारे IPO आने लग गए तो मार्केट पे भी इंपैक्ट आता है, उसके साथ ही रिटेलर्स पे भी इंपैक्ट आता है, और उसके साथ ही भाई जो IPO की लिस्टिंग है, अच्छे IPO की लिस्टिंग भी अच्छी नहीं होती है, और खासकर जब लाइन से IPO कई सारे अच्छे लिस्ट हो जाते हैं ना, तो खराब खराब IPO नेगेटिव IPO आते हैं, बीच में उसका फायदा उठा के लेके चले जाते हैं, पैसा अपना मार्केट से लेके चले जाते हैं और नुकसान करवा देते हैं हम रिटेलर्स को। तो इस वजह से भी IPO का आना बंद हुआ है, बहुत सारे IPO आने से कई सारे नेगेटिव इंपैक्ट होते हैं मार्केट पे, रिटेलर्स पे, लिस्टिंग गेन पे और कई सारी चीजें, तो यहाँ पे इस वजह से IPO का आना कम हुआ है। अब इसराइल वॉर की जो बात है वो इंपैक्ट डाल सकता है टाटा टेक्नोलॉजीज IPO पे। टाटा टेक्नोलॉजीज IPO का जब आया था सारा न्यूज, मैंने 3 तारीख को आपको न्यूज चैनल पे सबसे पहले अपडेट कर दिया था, तो यहाँ पे 15 से 40 दिन का समय लग सकता है, तो करीब करीब 3 तारीख को अपडेट किया था, मतलब पूरा अक्टूबर मंथ और नवंबर का भी फर्स्ट और सेकंड वीक लगभग मान लो, तो अभी यहाँ पे बहुत टाइम है यार टाटा का IPO आने में, अगर जिनको लाना ही होगा तो मार्केट इतना बुलिश है इनके ऊपर, इस IPO के ऊपर कि ला सकते हैं। लेकिन अगर जो मार्केट खराब रहा, इसराइल वॉर थोड़ा लंबा खींचा, जैसे अभी अमेरिका कूद पड़ा है और भी दूसरी कंट्रीज आ गए, तो उसका इंपैक्ट हर जगह आएगा, लेकिन अगर जो लंबे समय तक रहा, पूरा महीना अक्टूबर का चलता रहा, तो टाला जा सकता है, अदरवाइज कोई डेट में चेंजेस नहीं होंगे। इनके पास आराम से डेट इन्होंने इतना ले रखा है कि भाई हम नवंबर के फर्स्ट और सेकंड वीक तक ले आएंगे, कोई ऐसी जल्दी नहीं है टाटा IPO को लाने की, टाटा टेक्नोलॉजी की बात कर रहा हूं यहां पे, तो बिल्कुल सॉर्टेड रहो, रिलैक्स रहो, कोई IPO कैंसिल नहीं हो रहा, कोई IPO ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं आएगा, सारे IPO वैसे ही हैं जिनको अप्रूवल मिला हुआ है, वो भी मौके की ताक झांक में है, मार्केट सही होगा उनको भी लिस्टिंग गेन चाहिए, कोई भी प्रमोटर जो अपना IPO लिस्ट करवाएगा उसको भी लिस्टिंग गेन चाहिए, आपसे ज्यादा उसको ज्यादा फायदा होता है, तो ऑब्वियस है वो भी चाहेंगे लिस्ट हो मार्केट में, तो कई लोगों को अप्रूवल मिल चुका है इंक्लूडिंग टाटा टेक्नोलॉजी को, कई सारे IPO आते हुए दिख जाने वाले हैं अपकमिंग डेज में। यहाँ पे टाटा टेक्नोलॉजी IPO के ग्रे मार्केट की बात करूं तो हमें डे बाई डे कम होता हुआ दिख रहा है, मतलब कह सकते हो कि हालत खराब है न्यूज की वजह से ही। यहाँ पे 100 रुपीज तक जाता हुआ दिखा था, फिर 70-75 आया, 80 तक आया था, और अभी 60 रुपए से लेके 65 रुपए देने को मिल रहा है, ठीक है, मतलब लोग जो डील कर रहे थे वो डील कम हो चुकी है और 60-65 डिमांड निकल रही है, 50 के नीचे भी आ जाएगी। तो अभी प्राइस बैंड फाइनल नहीं है तो हमको डिसाइड नहीं कर सकते, लेकिन प्राइस बैंड जो था ग्रे मार्केट में GMP का वो गिरता हुआ आया है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जब प्राइस बैंड फाइनल होगा, डेट फाइनल होगा, तो फिर हम देख लेंगे।
ट्रेडिंग, और इसका मैंने कर दिया डिटेल रिव्यू जिसमें बिजनेस और फाइनेंशियल सारा कुछ बता रखा है, जाके देख लेना, बहुत काम किया आपके। डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक मिल जाने वाला है। तो आई होप मैंने आपके डाउट्स क्लियर कर दिए, और आई होप कि आप अब सही न्यूज़ को फॉलो करोगे, SMT को फॉलो करोगे, न्यूज़ चैनल को फॉलो करोगे टेलीग्राम पे, ताकि सही न्यूज़ आपको पता चल सके। सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना। इजराइल वॉर से किन किन स्टॉक्स को फायदा हो सकता है, इंडियन मार्केट को क्या नुकसान हो सकता है, उसके लिए वीडियो में थोड़ी देर बाद डालने वाला हूँ, तो जरूर देखना। मिलता है वीडियो में, करते रहेंगे। थैंक यू वॉचिंग गाइस, प्लीज टेल दिस टू एवरीबॉडी एंड बाय फॉर नाउ।